पल्पी टैमरिंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पुलियोगराई कैसे बनाते हैं देखेंगे। टैमरिंड राइस के लिए इसे बनाने के लिए हमें 10 से 12 लाल मिर्च चाहिए, एक इमली जो है, एक नींबू जितना बड़ा आप लेकर पानी में डिबो कर रख सकते हैं और फिर उसका पेस्ट बना सकते हैं। एक टेबल स्पून तक हमें उड़द दाल चाहिए, एक टेबल स्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून नमक, मूंगफली और काजू अच्छी तरह सेक की चाहिए, करी पत्ते चाहिए और तिल का तेल और हींग चाहिए। इसके सिवा हमें 1 कप कच्चा चावल चाहिए, आप जितना भी बड़ा ग्लास ले सकते हैं। हमें ये चावल हमें धोकर कुक करना है। हमें ऊपर से एक पाउडर डालना है, उसके लिए हमें जो है धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च और मेथी के दाने चाहिए। इमली को पानी में भिगो के रख दीजिए, तिल ऑयल में ही बनाना है। करी पत्ते, मूंगफली और काजू, हींग का पाउडर, राई के दाने, चने का दाल, हल्दी, नमक, लाल मिर्च 10 से 12 ने 1 कप इस ग्लास में से लिया है, 1 कप कच्चा चावल, साबुत धनिया, काली मिर्च, मेथी के दाने 1/2 टीस्पून, ये 5 से 6 लाल मिर्च पाउडर के लिए। तो अभी हम एक एक करके धनिया का जो दाना है, लाल मिर्च 4 से 5 और मेथी का दाना 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं या 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह से हम सेकेंगे पहले ताकि वो कुरकुरा बन जाए, फिर हम इसे मिक्सी में या ब्लेंडर में जो है एकदम कोर्स या दरदरा पाउडर बना के रख देंगे। हमें ये एकदम दरदरा चाहिए, बहुत सॉफ्ट पाउडर जैसे नहीं चाहिए। ये हम इमली के चावल के ऊपर फाइनल में जब सर्व करते हैं तब डाल के देंगे, तो उसमें एक फ्रेश जो है फ्रेग्रेंस आता है और टेस्ट आता है, इसलिए हम इसे करते हैं। तो हमने पूरा जो पूरा इमली का जो जूस पेस्ट बना रहे हैं या इमली का जो सॉस बना रहे हैं, टोटली हमें 12 मिर्ची तक चाहिए पड़ेगा, 10 से 12 इसमें हमें 5 से 6 लग जाएगा और इमली का जो पेस्ट बना रहे हैं उसमें हमें 5 से 6 लग जाएगा। तो हमें इस सबको अच्छे से दरदरा जो पीसना है उसके पहले हम अच्छे से सीखेंगे ताकि एकदम क्रिस्प हो जाए और ईजिली पिस पाए। तो हम 1/2 टीस्पून जितना हम थोड़ा सा जो है मेथी का दाना डाल रहे हैं और हम इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, सबको हम अच्छे से सेकेंगे, फिर मिक्सी में पाउडर बना देंगे और हम इसमें से थोड़ा, हमें पूरा जूस बना रहे हैं सभी हमें यूज़ नहीं करने हैं, जितना चाहिए हम उतना यूज़ कर सकते हैं, बाकी को हम फ्रिज में रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं, तो इस तरह से पाउडर बन जाएगा। पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद तिल का तेल जो है आराम से ज़्यादा डालेंगे, बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे और वो तेल गर्म होने तक वेट करेंगे। अच्छी तरह से तेल गर्म होने के बाद हम उसमें तड़के के एक एक चीज़ को डालना शुरू करेंगे जब तक वो अच्छी तरह से फूटे ना। तो अभी हम राई से शुरू करते हैं, तो आप 1 टीस्पून राई डाल लीजिए पहले और फिर उसके छिड़कने तक वेट करें, फिर हम उसमें उड़द दाल 1 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं, उसके बाद चना दाल 1 टेबलस्पून तक डालेंगे, उसके बाद मूंगफली 1 मुट्ठी भर आप अच्छी तरह से क्रिस्प सेक कर रख लें पहले से, फिर उसे हम डाल सकते हैं और इन सबको हम वेट करेंगे अच्छी तरह से क्रिस्प होने के लिए, कुरकुरे होने के लिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे तोड़ के। तो हमने अभी छिड़कने तक वेट किया है राई के, फिर हमने जैसे पहले कहा था अब इसमें एक एक करके उड़द दाल, चना दाल सब डालेंगे और उसके अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक वेट करेंगे, उसका कलर चेंज होगा, वो क्रिस्प हो जाएगा, अच्छी तरह से भुनेगा, उसके तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हम तभी वो जो सॉस है वो टेस्टी रहता है और जब ये थोड़ा क्रिस्प मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इसे इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें करी पत्ते आप डाल सकते हैं, चना दाल देखिए कितना डाला है, 1 टेबलस्पून तक तो डाला ही है, तो इस सबको हम वेट करेंगे। मूँगफली भी आप ज़्यादा डालिए क्योंकि सबको मूँगफली बहुत पसंद रहता है, तो मूँगफली आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी के ऊपर ही डाला है, तो सबको क्रिस्प होना है, आप पहले से क्रिस्प करके रख सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं या तो इसमें डालकर आप वेट कर सकते हैं। करी पत्ता भी आप ज़्यादा ही डालिए क्योंकि करी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और साउथ इंडियन जो भी खाना हो उस समय करी पत्ता के बिना खाना होता ही नहीं है। तो ये चावल है इसलिए ये सब डालना पड़ेगा तभी अच्छा रहता है।
और इसके बाद हम लाल मिर्च जो है हमें जितना ठीका चाहिए उतना हम तोड़ तोड़ के डालेंगे। तो हम यहाँ पर 5-6 डाल सकते हैं तोड़ तोड़ कर। और फिर हम हल्दी डालेंगे, हींग डालेंगे। हींग आप बार जैसा है वो उसमें से तोड़ के डाल सकते हैं, या तो अगर पाउडर ही है आपके पास तो आप पाउडर डाल सकते हैं। तो सब पर डाल के अच्छे से भुनेंगे हम। और फिर हम इसमें इमली पानी हमने डालना है, तो हमने एक नींबू जितना बड़ा इमली जो लेकर रखा है उसे पानी में भिगो के रखा है, उसे हम मिक्सी में अच्छी तरह से पीस सकते हैं। और उसका जो पेस्ट है उसे छन्नी से छान कर उसमें जो भी तार होता हो या छिलका हो जो भी हो उसे निकाल कर, गुटली से निकाल कर जो पेस्ट अच्छी तरह से बनता है वो पेस्ट हम इसमें थोड़ा पानी के साथ मिक्स करके हम डाल सकते हैं। और हमें पेस्ट जितना थिक बना सकते हैं उतना बना सकते हैं, लेकिन ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है सबको बॉईल होना है इमली के पानी में। तो वो हम जितना पेस्ट बन निकलता है वो पूरा डाल लीजिए, और आपको चाहिए तो थोड़ा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से उबलना है, पानी का जो इमली का कच्चापन है बिल्कुल चला जाना है, और इमली जो है एकदम थिक बनकर सॉस जैसे बनकर आएगा। और जितना नमक हमें डालना है वो भी हमें यहीं पर डाल देंगे इमली के डालने के बाद। तो सब कुछ फिर वेट करेंगे अच्छी तरह से उबल कर सॉस जैसे थिक बन के आ जाए, तो एकदम क्वांटिटी कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, पूरा जो इमली का पानी हो वो है एकदम सूख जाता है और एकदम स्टिकी सा सॉस बन जाता है। तब तक हमें जो है इसे भूनना है। तो अभी देखिए हमने इमली का पानी डालना है और उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है, उबालना है जब तक वो पूरी तरह से सूख ना जाए और अच्छा थिक सा एक पेस्ट ना बन जाए। तो देखिए कैसे हम डाल रहे हैं इमली का पानी, ये पूरा इमली का पल्प है वो पानी के साथ मिक्स किया हुआ है उसको हम डाल रहे हैं। तो ये पानी जो है अच्छा उसका कच्चापन जाना है इसलिए अच्छी तरह से उबालना पड़ेगा जब तक वो पूरा पानी उबल मतलब इवॉपरेट ना हो जाए और थिक सा सॉस ना बन जाए। तो तब तक हमें इसे उबालना है। और ये पेस्ट को हम एक हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो मैंने पहले पाउडर बताया था वो भी एक हफ्ते तक आप रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर ही रख सकते हैं। अभी हम इसमें नमक डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा, जैसे मैंने पहले कहा था एक टेबल स्पून हिसाब से आपको जितना चाहिए वैसे। तो ये बनाकर अगर रख देते हैं तो आप जब चाहे आप चावल को कच्चा चावल जो है रॉ राइस जो है उसे आप खिला या फुला बॉयल कुक करके उसके साथ इसे मिलाकर जितना चाहिए पड़ेगा उतना मिलाकर उसमें थोड़ा तिल का तेल डालकर फिर जो मैंने पाउडर बना बताया था उसको ऊपर से थोड़ा सा डालकर आप खा सकते हैं। इसके साथ पापड़ बहुत टेस्ट रहता है, पापड़ या जो भी वैसा टाइप का जो भी है कुछ भी आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी सा एक होता है ये खाना, बहुत तीखा, बहुत चटपटा और बहुत खट्टा। ये हमारे मंदिरों में ही प्रसाद के रूप में मिलता है। तो देखिए बन रहा है अच्छी तरह से, इसे हम पुली काचल कहते हैं, इसका मतलब उबला हुआ इमली है। खिला चावल रेडी है, तो इसमें अब हम खिला चावल मिला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा मिला दिया है क्योंकि ये हम अब सबके सभी यही खाना खाने वाले हैं इसलिए, पर आप चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा करके मिला सकते हैं। देख कर मिलाइए चावल, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। अगर चावल में बहुत लग रहा है कि ज़्यादा है ये तो चावल और डालिए, अगर लग रहा है कि चावल बहुत ज़्यादा है और ये कम है तो कम चावल डालिए। और एकदम ठीक से बनाइए, अच्छा सा कलर आएगा उसमें। तो उसको हम मिक्स करने के बाद जब हम खाने वाले हैं तब हम वो जो पाउडर है उसे ऊपर डालेंगे, और हम उसके ऊपर जो है तिल का तेल भी डाल सकते हैं और हम खा सकते हैं। तो बहुत टेस्टी सा एक चावल रहता है। तो हम जूस में पहले से हम चावल डाल सकते हैं पर पाउडर हम बाद में डालेंगे, तब उसमें थोड़ा टेस्ट रहता है, फ्रेशनेस रहती है और हम इसे खा सकते हैं। इसके साथ पापड़ जैसा चीज़ क्रिस्पी से ये ठीक रहता है। और ऑल्सो तवेल्स, कोई भी तवेल आप बना के खा सकते हैं। तवेल मतलब चटनी जैसा एक चीज़ जो एकदम थिक रहता है, चटनी जैसा थोड़ा ढीला सा नहीं रहता है, एकदम थिक रहता है, उसको हम तवेल कहते हैं। ऐसे राइसेस वैरायटी राइस के साथ हम तवेल्स ही खाते हैं या पापड़ खाते हैं या पापड़ जैसे वैरायटीज खाते हैं। तो अब ये पाउडर जो हमने बना के रखा है उसे हम थोड़ा सा ऊपर डाल रहे हैं, इसी तरह से आप भी करना, वो टेस्ट एक्स्ट्रा टेस्ट देता है और एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस देता है। इसके ऊपर हम कैशनट्स डाल सकते हैं जिसे हमने अच्छी तरह से सेक के रखा है, ये ऑप्शनल है, ये जस्ट डेकोरेशन के लिए है या गार्निश के लिए है, ये आपकी मर्जी है। पीनट्स और जो है कैशनट्स एक्स्ट्रा हाथ में रखकर आप ऊपर डाल सकते हैं। और इसके साथ वो जो रखा है वो तवेल है, एक जगह पाउडर है, एक और जगह टैमरिंड वाला पेस्ट है, तो तीसरा जो है रेड स्पून वाला वो तवेल है, वो ही चटनी है इसके साथ खाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। पल्पी टैमरिंड चैनल को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।